हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि नेक्स्ट जो ब्रेकडाउन वीडियो है वो किसके ऊपर बनाया जाए। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे नाम सजेस्ट किए हैं, जिनमें जो बार बार रिपीटेड नाम है, सबसे ज़्यादा जो नाम आया है वो है मैग्नेट्स मीडिया का। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उनके रिसेंट वीडियो का एडिटिंग ब्रेकडाउन, कि किस तरीके से वो उनकी वीडियोज़ में जो है एडिटिंग की जाती है, देन उसमें कौन कौन से ग्राफिक्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो की प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और उसमें आपको पासवर्ड लगा हुआ मिलेगा। तो यदि आप पासवर्ड जानना चाहते हैं तो वीडियो में कहीं पे भी बीच में आपको जो पासवर्ड है स्क्रीन पे आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैग्नेट मीडिया का हमने रिसेंट वीडियो जो है ओपन कर लिया है, जो इन्होंने रिसेंट अभी अपलोड किया है। तो इस वीडियो को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, इनकी एडिटिंग वगैरह कैसे की गई है और यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट वगैरह इन्होंने यूज़ किए हैं, सभी चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करता चलूँगा। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो को प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे जो सीन देख रहे हैं, तो अभी इसमें यहाँ पे आपको यदि देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर वीडियो प्ले हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे वो रिपीटेड आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर रिपीटेड काफ़ी सारे शेप्स हैं जिनमें अलग अलग वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो इस टाइप से यदि आप सीन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या होगा, चलिए सबसे पहले मैं आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है इस तरीके का जो सीन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में मैंने यहाँ पे नई कंपोजिशन जो है क्रिएट कर रहा हूँ मैं, 30 फ्रेम रेट यहाँ पे चूज किया मैंने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टाइप का सीन यदि आपको क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि एक रेक्टेंगल टूल लेना है आपको और एक शेप जो है क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इस शेप में आपको सिंपली जाना है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल पाथ में जाएंगे, जो राउंडनेस है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ऑलमोस्ट 30 कर देते हैं यहाँ पे जो इसकी राउंडनेस है। तो यदि आप देखेंगे तो इस टाइप का कुछ लुक आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है इस वीडियो में। तो सिंपली इन्होंने किया क्या हुआ है कि इस शेप के ऊपर जो है इन वीडियो को अल्फा कर दिया है। तो इसके बाद में यदि हम देखेंगे इसमें इस शेप को हम डुप्लीकेट यदि करेंगे तो इसको सबसे पहले हम सेंटर कर लेते हैं और इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे और ये देखिए इस टाइप से हमने डुप्लीकेट कर दिया है। और सेम तीनों शेप को हम क्लिक करके कंट्रोल डी कर देंगे और साइड में रख देंगे, फिर कंट्रोल डी कर देंगे और लेफ्ट साइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का सीन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये सारे अभी इसमें क्या किया गया है, किसी भी इमेज को इन्होंने, जैसे इमेज या फिर वीडियो जो भी आप लगाना चाहते हैं इसमें, तो उसको अल्फ़ा कर दिया गया है। अल्फ़ा जैसे कि मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बार बार रिपीट होती है क्योंकि यही सब चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं ना। तो इसलिए अब जैसे यहाँ पर हम एक इमेज इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अपनी एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये तो इमेज है, इमेज की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो इसको हम स्केल करके छोटा कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इमेज को शेप के नीचे रखेंगे और ये वाला शेप है तो यहाँ पे रख करके इसको अल्फ़ा कर देंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा मेट कर देंगे तो ये देखिए इमेज इसके अंदर आ चुकी है। अब सेम चीज़ हमको सभी शेप के साथ में कर देनी है। तो आप जो भी वीडियो आप अलग अलग प्लेस करना चाहते हैं तो उसके साथ में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पे मैंने जो है सभी शेप में जो है अपनी जो इमेज को अल्फ़ा कर दिया है। अब सिंपली वहाँ पे यदि आप देखेंगे इस सीन में तो यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं कि रेड कलर का एक बैकग्राउंड आपको देखने मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सिंपली करना क्या है कि हमको बैकग्राउंड में जो है एक रेड कलर यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम राइट माउस क्लिक करेंगे कहीं पे खाली जगह पे, न्यू में जाएंगे, सॉलिड में जाएंगे और यहाँ पे एक रेड कलर चूज़ कर लेंगे, डार्क सा रेड कलर हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं कोई, और इसको हम जो है बैकग्राउंड में डाल देंगे। तो इसको सबसे नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में हमने इसको डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि साइड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है और विनियट दिखाई दे रहा है और सेंटर में आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर हालांकि ओवरले भी चल रही है। तो यहाँ पे ये सीन कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे आपको, और पहली चीज़ तो इसको आप यहाँ पर राइट माउस क्लिक करेंगे और आपको न्यू एडजस्टमेंट लेयर एक क्रिएट करनी है, और जैसी एडजस्टमेंट लेयर जो है उसको सबसे ऊपर ले आएंगे टॉप में, और देन एक इसके बाद में एक सॉलिड क्रिएट करनी है ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे आपको एक कलर चूज़ करना ब्लैक और इसको आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास में ब्लैक कलर की सॉलिड है। तो अब इसमें हमको सिंपली करना क्या है कि इसमें हमको एक मास्क क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, एक हमको एलिप्स टूल लेनी है
और यहाँ पे हमने इसी शेप के ऊपर यहाँ पे मास्क क्रिएट कर दिया है। तो कुछ इस टाइप का हमको मास्क क्रिएट करना है यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो इस मास्क को हम जो फेदर है वो बढ़ा देंगे हम, और समथिंग कुछ इतना फेदर रखेंगे हम इस वीडियो में, और यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है इसको हम कम कर देंगे, तो लगभग हम इसको 50% कर देते हैं। तो हमारा लुक कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल रहा है इस सीन का। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लेयर है, तो सेम हम मास्क को कॉपी करेंगे। तो इस लेयर से हमने जो ऊपर मास्क लगाया है इस लेयर में, सॉलिड लेयर में, तो यहाँ पे हमने इस मास्क को जो है कॉपी कर लिया है, और एडजस्टमेंट लेयर में जाकर के हम पेस्ट कर देंगे। और एडजस्टमेंट लेयर में हमको लगाना है गॉसियन ब्लर, इसका जो नंबर है हम यहाँ पे चूज करते हैं 30। तो ये देखिए 30% हमने किया, बट यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा 30%। तो पहली चीज़ तो इसको हम करेंगे हम 10% कर देंगे, और इसका जो शेप है, इसका जो मास्क है, तो उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम साइड में ले जाएंगे, और यहाँ पे समथिंग कुछ इसको इतना एडजस्ट कर देंगे हम। तो हमने रफली यहाँ पे इस मास्क को जो है इतना एडजस्टमेंट कर दिया है। तो अब देखेंगे आप, तो इसका जो लुक है थोड़ा सा ओवरऑल उसके जैसे आपको लुक देखने मिल रहा है, बट यहाँ पे हम मास्क का जो ओपेसिटी है इसको अभी हम लगभग 50% कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास में ऊपर की ओर में दो लेयर हमको देखने मिल रहे हैं, एक एडजस्टमेंट लेयर हो गई और एक हमारी ब्लैक सॉलिड लेयर हो गई जिससे हमने विनियट क्रिएट किया हुआ है। तो अब इसका जो लुक है ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सा हमको लुक जो है उसके जैसा देखने मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूवमेंट चल रहा है। तो अब यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली जितने भी ये शेप लेयर हैं इन सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको प्रीकॉम कर देना है। तो इसको आप प्रीकॉम कर देंगे, और इसको कुछ भी आप प्रीकॉम का नाम वगैरह दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो है आप मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली इसमें क्या करना है आपको कि इसमें आपको मोशन टाइल लगाना है। तो सिंपली आप यदि लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूव कराना चाहते हैं फ्रेम को, तो यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट इससे मूव करा सकते हैं मोशन टाइल की हेल्प से। आपने एक फ्रेम बना लिया और सेम वो जो रिपीटेड फ्रेम है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इसमें मोशन टाइल की हेल्प से ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट फ्रेम क्रिएट हो जाते हैं, और वो लेफ्ट टू राइट या फिर अप टू डाउन आप उसको जो है मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप जो है इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे रही तो जूम इन वाली, तो सीधे से क्या होता है कि यदि आपको जूम इन करना है तो जूम इन इफेक्ट के लिए सिंपल आपको मोशन टाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बंद कर दीजिए, बस प्री कॉम्प में जाएंगे इसमें सिलेक्ट करके इस प्री कॉम्प को, पहले तो इसको एडजस्ट कर लीजिए। आप अपने इस सीन को एडजस्ट कर लिया है, अब इसको आपको जूम इन क्रिएट करना, तो सिंपली आप प्री कॉम्प में सिलेक्ट करिए, एस प्रेस करिए तो स्केल आ जाएगा, और यहाँ पे आगे आकर के आपको एक की फ्रेम लगा देनी है। तो इसमें सिंपली आपको यहाँ पे जूम इन इफेक्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जूम इन इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी वही चीज चल रही है कि यहाँ पे सिंपली क्या है कि जो इमेजेस लगी हुई हैं बीच वाली स्लाइड में आप देखेंगे इमेजेस से, यहाँ पे आपको वीडियोस क्लिप देखने मिल रहे हैं। तो सेम चीज़ है, अल्फा की गई है और उसकी पोजीशन की गई है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो ये साइड की जो स्ट्रिप है ये पहले चल रही थी, बीच वाली स्ट्रिप नहीं आई थी, और फिर बाद में इसके बाद में बीच वाली स्ट्रिप अचानक से आ गई है। तो यहाँ पे सिंपली इनके ऊपर भी वही शेप लेयर है उसके ऊपर जो वीडियो को है कॉम्प किया गया है अल्फा करके, सेम जिस तरीके से हमने इमेज को किया इसी तरीके से वीडियो को भी कर देंगे हम, और यहाँ पे उनमें जो है मूवमेंट थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है। तो सेम डुप्लीकेट आप करेंगे यदि, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि किसी एक सिंगल इमेज को आप चाहते हैं कि सभी में आपका यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टली करना क्या है आपको। जैसे कि अब आपने एक नया कॉम क्रिएट किया और आपने ये शेप लिया और इसको हम सेंटर कर लेंगे, और देन इसका जो राउंडनेस वगैरह है ये हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे राउंडनेस हमने 30% कर दी इसको। अब देखेंगे आप कि इस शेप का हमको डुप्लीकेट करनी है और वो ऊपर नीचे आता रहे, तो वो चीज़ आपको देखनी है। थोड़ा सा इसके साइड जो है एडजस्टमेंट कर लीजिएगा ताकि ऊपर नीचे जो है, तो ये साइज़ हम रख रहे हैं और इस साइज़ में ऊपर नीचे जो है हमारा वो भी आता रह जाए। तो इसको हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर में, देन एक इमेज लेते हैं और इसको हम अल्फ़ा कर देंगे, इसमें स्केल हम इसको छोटा कर लेते हैं, इस इमेज को ले जाएंगे इसके ऊपर और देन इसके बाद में इसको कर देंगे अल्फ़ा मेट। तो ये देखिए इस इमेज को हमने अल्फ़ा कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, इस इमेज के ऊपर राइट माउस क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे हम कर देंगे प्री कॉम। अब प्री कॉम पे यहाँ पे कर देंगे फोटो, या फिर कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ फोटो प्लेस होल्डर, ये मैंने लिख दिया है। देन इसके बाद में हम इसको कर देंगे प्री कॉम। अब इसके बाद में इसको कर देंगे हम डुप्लीकेट, अब इसको हम कर लेंगे नीचे और सेम डुप्लीकेट करके हम इसको कर देंगे ऊपर। अब यहाँ पे इन तीनों को हमको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इनकी जो साइज है, तो स्केल करके हम थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेते हैं, इसको 90% कर देते हैं। तो देखिए इनकी जो साइज है हमने इतनी रख ली है। अब इसमें क्या करना है हमको कि सिंपली इन सभी को हम प्रीकॉम कर लेंगे, एक और नया इन सभी को सिलेक्ट करके एक प्रीकॉम क्रिएट कर लेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम स्लाइडर। अब यहाँ पे हमको एक मोशन टाइल का इफेक्ट लगा देना है। अब सिंपली क्या करेंगे हम कि इस मोशन टाइल को हम यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं इस तरीके से,
तो देखिए सेम इमेज हमारी जो है रिपीटेडली यहाँ पे जो है और रिपीट हो रही है। तो जैसे उसमें मोशन किया गया है, तो यदि हम टाइल में यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम पे आकर के यहाँ पे की लगा देंगे, देन लास्ट में आएंगे और इसको थोड़ा सा हम एनिमेट कर देंगे, तो नीचे के साइड में यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है देखिए इस टाइप से हो रहा है जैसे कि उसमें यहाँ पे चल रहा था। आप यहाँ देखेंगे तो ये वाली जो स्लाइड है ये नीचे की साइड जा रही है और ये वाली स्लाइड भी नीचे की साइड जा रही है, जो सेंटर वाली वो ऊपर की साइड जा रही है। तो आप उसको डुप्लीकेट करके और इमेज सिंपली यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपली इसमें आप वन क्लिक में आप इमेज चेंज कर सकते हैं। एक बार आप इमेज चेंज करेंगे सभी कॉम्प में जो है इमेज चेंज हो जाएगी, जितने भी हमने अलग अलग जो कॉम्प बनाए थे ना इन सभी की इमेज चेंज हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, फोटोज प्लेस होल्डर का हमने जो कॉम्प बनाया था इसके अंदर आना है आपको सिंपली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज चेंज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, सिंपली आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है और अल्ट बटन को प्रेस करके रखनी है और देन जो भी इमेज से आप रिप्लेस करना चाहते हैं उस इमेज को आप उठा करके लाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे डायरेक्टली उस इमेज के ऊपर, और इसकी जो साइज़ है वो आपको एडजस्ट कर लेनी है। तो साइज़ इसकी हम बढ़ा देते हैं और साइज़ हमारी यहाँ पे बढ़ चुकी है और साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे और देन आप देखेंगे कि जो आपका जो कॉम्प है देखिए आप सभी उसमें इमेजेस जो हैं चेंज हो चुके हैं आपकी। आपने एक जगह इमेज चेंज करी वो सभी जगह जो इमेज आपकी चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में जो है सेम चीज़ यहाँ पे की गई है कि वही इमेज जो है वही वीडियो क्लिप जो है सभी कॉम्प में दिख रही है आपको। और सिंपली आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है तो इसके पीछे ब्लर लगाया गया है, इसका जब पोजीशन की गई इसके पीछे जो है ब्लर लगा दिया गया है। तो यहाँ पे हम यदि इसको डुप्लीकेट कर दें, सेम स्लाइडर को हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, सेम स्लाइडर को हम बीच में लगा देते हैं और इसकी की फ्रेम हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि स्लाइडर का जो बीच वाले का जो पोजीशन है वो अलग है। तो यहाँ पे देखें हमारे ये बीच वाला ऊपर जा रहा है और साइड वाले नीचे आ रहे हैं, तो हमने इसके की फ्रेम को सिलेक्ट किया और राइट माउस क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट में गए और यहाँ पे रिवर्स की फ्रेम कर दिया, तो उसका जैसा पोजीशन थी उसके जस्ट अपोजिट पोजीशन यहाँ पे हो चुकी है। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो एनिमेशन इस टाइप का किया जा रहा है, सेम चीज़ करेंगे हम, हमने जो सॉलिड क्रिएट की थी वो सॉलिड हम लेकर के आ जाएंगे इधर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे पीछे साइड में। और यदि आपको देखना है कि यहाँ पे जो कलर वगैरह क्या लिया गया है तो सिंपली आप क्या करिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया और इस स्क्रीनशॉट को आप सेव कर लीजिए और इसके बाद में आपको आफ्टर इफेक्ट में इम्पोर्ट कर लेना है। तो यदि आपको यहाँ पे सेम कलर एग्जैक्ट वही कलर चाहिए है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे इस कलर को चूज़ करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे राइट माउस क्लिक करूँगा और मैंने एक सॉलिड क्रिएट करी और देन हम कलर से इसको पिक कर लेंगे और हमने यही कलर ले लिया है, तो एग्जैक्ट हम वही कलर बैकग्राउंड में लगा दे रहे हैं अब। और इसमें आपको रैंप लगा देना है, ग्रेडियंट रैंप लगा दीजिए तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेडियंट हो जाएगा। तो सेम आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है ये कलर और साइड में चूज़ कर लेना है डार्क कलर और यहाँ पे इसको कर देना है रेडियल रैंप और इस इमेज को कर दीजिए आप डिलीट और ये देखिए आपका कुछ इस टाइप का जो है और इसको आप सेंटर कर दीजिए और जो नीचे वाला है इस पॉइंट को आप कॉर्नर पे रख दीजिए, तो आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रेडियंट जो है रेडियल। अब सिंपली आपको क्या करना है कि जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन जैसे कि इसमें देखने को मिल रहा है आपको, यदि वैसा क्रिएट करना चाहते हैं इस हिसाब से, तो सिंपली आपको करना क्या है, उसके लिए आपको एक शेप टूल लेना है और यहाँ पे शेप डिज़ाइन कर लेनी है कि जिस भी साइज़ में आपको चाहिए वो, तो यहाँ पे डिज़ाइन कर लेनी है, इसको हम सेंटर कर लेंगे, देन हमारा जो कलर है वो चूज़ पिक कर लेंगे, हमने कलर ले लिया है, इस कलर कोड को कॉपी करके हम सिंपली इस जो शेप लिया हमने तो उसका जो कलर कोड है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेम कलर टोन ले लिया है, अब इसमें जो है कोई सा भी टेक्स्ट आप डाल दीजिए, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ और सिंपली इसको हम साइज़ जो है बड़ा कर देंगे और इससे आपको सेंटर अलाइन करना है इसको, तो आप डायरेक्टली अलाइन में जाएंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और सेंटर अलाइन हो जाएगा। देन इसके बाद में शेप में आपको डालनी है ड्रॉप शैडो और इसकी डिस्टेंस बढ़ा दीजिए आप और इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा दीजिए, ओपेसिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए आप इसकी, देन आपको यहाँ पे डेप्थ देखने मिल रही है। अब सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी है और इसमें जो है गॉसियन ब्लर डालना है, तो इसके ब्लरनेस बढ़ा दीजिए और इसको इस लेयर को आप नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखे अब जैसे ये एनिमेशन आएगा तो इसको यदि हम एनिमेट कर देंगे हम तो 15 फ्रेम में हम इसको एनिमेट करेंगे, तो यदि हम 15 फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है, सबसे पहले तो टेक्स्ट को हम पेरेंट कर देंगे शेप के साथ में, जो टेक्स्ट लिखा है तो उसके पीछे जो हमने शेप बनाया है कि हम शेप में कोई से भी एनिमेशन करें तो वो टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली आ जाए, तो हमने पेरेंट कर दिया। देन इसके बाद में स्केल पे आएंगे और इसको फर्स्ट फ्रेम पे आकर के जीरो कर देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे हम इजीज, देन देखेंगे आप तो यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन इस टाइप से आपको देखने मिल रहा है। थोड़ा सा और फास्ट करने के लिए हमको जाना है राइट माउस क्लिक करना है, ग्राफ में बटन में क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, देन यहाँ पे राइट माउस क्लिक करेंगे, एडिट स्पीड ग्राफ पे आएंगे
और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको आगे की साइड में हमको ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एनिमेशन है, ये देखिए फास्ट एनिमेशन स्टार्टिंग हुआ और लास्ट में थोड़ा सा स्मूथली स्लो होते हुए जा रहा है। और हमको इसको क्या करना है, थोड़ा सा आगे कर देना है शिफ्ट, जब हमारा ये एनिमेशन पीछे ब्लरनेस है वो वहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे की फ्रेम लगा देनी है, इसमें 10 फ्रेम में आपको की फ्रेम लगा देनी है ब्लरनेस पे। तो यहाँ पे आपने की फ्रेम लगा दी और फर्स्ट फ्रेम पर आ गए और इसको आपने जीरो कर दिया और इसको आप यहाँ पे आगे सिंपली यहाँ पे रख देंगे। और जैसे ही आपका यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है और जैसे टेक्स्ट आएगा तो यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लर हो रही है। देखिए पहले सही है स्क्रीन और फिर जैसे ही टेक्स्ट आ रहा है वैसे ही ब्लर हो रही है। ब्लर का अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जितना भी आप चाहते हैं। पहले यहाँ पे वही एकदम ईजी चल रहा है और फिर इसके बाद में यहाँ पे ब्लर अमाउंट आ जाता है, जैसे हमारा टेक्स्ट आ रहा है वैसे ब्लर आ रहा है। तो इस टाइप से आप जो है सीन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे देखिए एक नया एनिमेशन आपको देखने मिला है कि यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपली आप यदि सेम एकदम सर्कल एकदम एग्जैक्ट सेम सर्कल करना चाहते हैं तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको जाना है एलिप्स टूल में और एक जो है सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है, कोई से भी लेयर वगैरह सिलेक्ट ना हो, इसके लिए एक सर्कल आपको क्रिएट करना है। और यहाँ पे आप वाइट कलर का स्ट्रोक ऑन कर सकते हैं यदि आपका डार्क बैकग्राउंड है, तो जो भी कलर आपको दिखाई दे। देन इसके बाद में आना है आपको इसमें ऐड में जाना है और यहाँ पे ट्रिम पाथ में जाना है। तो यहाँ पे जो ये एंड है इसमें आपको एक की लगा देनी है और स्टार्टिंग में आएंगे और इसमें जो है 100% को जीरो कर दीजिए। देन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है देन आप देखेंगे एनिमेशन जो इसमें आ चुका है, ट्रिम पाथ वाला जो एनिमेशन है वो आ चुका है यहाँ पे। अब इसको सिंपली आपको क्या कर देना है, एनिमेट करना होगा इसको आपको। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जैसे जो पोजीशन, अब इसमें जो पोजीशन है तो इसमें फर्स्ट फ्रेम पे आ जाइए और इसकी पोजीशन पे आ जाइए और यहाँ पे पोजीशन लगा दीजिए। देन लास्ट फ्रेम पे आ जाइए जहाँ तक मूव हो रहा है, इसको लास्ट फ्रेम पे ले जाइए जहाँ पे भी उसकी पोजीशन है, सेम पोजीशन पे आप ले जाएंगे इसको और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका एनिमेशन है वो यहाँ पे सिंपली क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि ये देख रहे हैं तो ये जो एनिमेशन है इस टाइप से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने जो है सर्कल वाला जो एनिमेशन है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और यदि आप रफली चाहते हैं और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि रफली एक लाइन यहाँ पे क्रिएट है, सर्कल नहीं है, तो आप उसके लिए भी एक सिंपली क्या कर सकते हैं कि आपको सिंपली एक जो है शेप टूल यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है इस टाइप से। ऐसे आप एक रफ क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे इसको इस टाइप से आप उसको जो है रफली यहाँ पे अच्छे से जो है अलाइन कर सकते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं आपको केवल बताने के लिए कर रहा हूँ। और सेम इसमें आप आएंगे, ऐड में जाएंगे और ट्रिम पाथ में चले जाएंगे, तो सेम चीज़ आपको इसमें भी करनी है कि आपको एक की लगा लेनी है एंड की और आपको फर्स्ट फ्रेम पे जीरो कर देना है। तो ये देखिए इस टाइप से आपका जो एनिमेशन हो जाएगा और पोजीशन की मदद से आप इसको एनिमेट कर सकते हैं फोटोज के साथ, जैसे फोटो मूव हो रही देन उसी तरीके से आप जो है इसको मूव कर सकते हैं। तो इस शेप को हम यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं। वीडियो में आगे चलते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम वही चल रहा है कि जो प्रीकॉम्प हमने पहले बनाई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम पे आकर के यहाँ पे इसको जूम इन कर दिया गया है। यदि इसको हम रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे इस की फ्रेम को, तो यहाँ देखिए फर्स्ट की फ्रेम पे इन्होंने क्या कर दिया है, पहले इसको जूम इन कर दिया है और फिर धीरे धीरे उसको जूम आउट करते जा रहे हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे जूम आउट होता हुआ जा रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे चल रही है, वही कंपोजिशन है, धीरे धीरे जूम आउट होते जा रही है और सेम क्लिप ही है। आप देखेंगे कि सेम क्लिप है सभी कंपोजिशन में, पूरा ऊपर राइट में नीचे सभी जगह सेम क्लिप चल रही है डुप्लीकेट करके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस कंपोजिशन में जैसे हमने एक इमेज को सभी कंपोजिशन के साथ में रिप्लेस कर दिया, उसी तरीके से उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिवली यूज़ करना है, आपका माइंड को यूज़ करना है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। यदि आप सेम एज इट इज़ ऐसा बनाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पॉम्प क्रिएट कर लीजिए, उस दिन उसके बाद में डुप्लीकेट कर करके उसका प्रीकॉम्प करके आप पूरी स्क्रीन में उसको मोशन टैल की मदद से इस तरीके से आप जो है एनिमेट कर सकते हैं। तो आगे भी हम चलेंगे तो सेम आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आपने जैसे देखा कि जो ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने मिला, दो क्लिप के बीच में आपको ट्रांजिशन देखने मिल रहा है। यहाँ ग्लिच ट्रांजिशन का यूज किया गया है, देन इसके बाद में यहाँ पे जूम इन ट्रांजिशन का यूज किया गया है, साथ में RGB भी लगाया गया है वहाँ पे। अब यहाँ पे आप यदि देख रहे हैं तो सिंपली क्या किया गया है कि आपको यहाँ पे एक टेक्सचर देखने को मिल रहा है। यदि देख रहे हैं आप यहाँ पे एक टेक्सचर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये टेक्सचर ओवरले कर दिया गया है, ये फिक्स है, इसमें कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही है। एक वीडियो क्लिप के ऊपर यहाँ पे ओवरले एक प्रकार से यूज़ कर दिया गया, उसको यहाँ पे आप ब्लेंड मोड का यूज़ करके ओवरले कर दिया गया है यहाँ पे, तो वो टेक्सचर आपको पूरे वीडियो में देखने मिल रहा है। आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम टेक्सचर आपको देखने मिल रहा है। तो पूरे वीडियो में उन्होंने सेम एक टेक्सचर का यूज किया गया है, जैसे ये देखे वही टेक्सचर आपको पूरे वीडियो क्लिप में देखने मिल रहा है।
तो ओवरऑल इस वीडियो में मेरे को हर जगह केवल वही चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से आपने ये कंपोजिशन क्रिएट करी, तो ओवरऑल पूरी वीडियोस का जो थीम है ऑलमोस्ट सेम आपको देखने मिल रहा है कि हर जगह उन्होंने वही टेक्स्ट वगैरह यूज़ करके, टेक्स्ट एनिमेशन को थोड़ा सा यूज़ करके शेप के साथ में, और पूरा सेम कंपोजिशन उन्होंने क्रिएट किया, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट चेंज कर दिया है कि कहीं लेफ्ट टू राइट हो रही है, कहीं राइट टू लेफ्ट हो रहा है, कहीं अप टू डाउन हो रही है, कहीं डाउन टू अप हो रहा है, और उसी को स्केल करके थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, जूम इन जूम आउट सेम इफेक्ट को आप देखेंगे तो पूरे वीडियोज में ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट आपको देखने मिल रहे हैं। बस टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं और क्लिप्स चेंज हो रहे हैं, बट इफेक्ट जो है सेम यूज किया जा रहा है। यदि इस सीन की बात करें तो इस सीन को क्रिएट करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट हो रहा है और जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, ये देखें। तो इस सीन को क्रिएट करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इस सीन को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हमको करना क्या है कि एक कंपोजिशन हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक कंपोजिशन क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस सीन को दो पार्टीशन में किया गया है। एक लेफ्ट साइड में इन्होंने टाइटल दिया हुआ है जो कि रेड कलर का ग्रेडियंट यहाँ पे यूज़ किया गया हुआ है, और साथ में राइट साइड में इन्होंने इमेजेस का यूज़ किया गया, जो भी उसमें भी तीन पार्टीशन आपको देखने मिल रहे हैं, जो कि ये वाला जो अप वाला पार्टीशन है तो वो देखेंगे आप राइट साइड में मूव हो रहा है, और सेंटर वाला लेफ्ट साइड में हो रहा है, और नीचे वाला भी राइट साइड में हो रहा है। मतलब दो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं और एक अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट चल रही है। तो इस सीन को कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली हमको क्या करना है कि एक हमने जो है सॉलिड क्रिएट करी, तो सेम हम इस सॉलिड को जो है कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमने सॉलिड ली हुई है और यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि एक रेक्टेंगल टूल ले लेना है हमको। तो यहाँ पे हमको सिंपली क्रिएट क्या करना है कि जो भी इमेजेस वगैरह हैं वो हमको क्रिएट कर लेनी है कि हमको दिखाना क्या है। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक शेप ले लिया और इस शेप को हम इसमें इमेजेस प्लेस कर देंगे। तो हमने ये शेप ले लिया, इसको डुप्लीकेट कर लिया हमने, देन इसके बाद हम इसको भी एक डुप्लीकेट कर लेंगे। तो हमने ये तीन शेप ले लिए हैं। अब तीनों शेप को हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें हमको इमेजेस जो है रिप्लेस कर देनी है। तो इस इमेज को हम यहाँ पे अल्फ़ा कर देंगे, तो यहाँ पे इसको अल्फ़ा कर दिया हमने, देन इसकी डुप्लीकेट करेंगे और इस इमेज को नीचे ले आएंगे, इसको भी हम अल्फ़ा कर देंगे, देन फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इस इमेज को नीचे ले आएंगे और इसको भी हम अल्फ़ा कर देंगे। तो ये देखिए अब थोड़ा सा इमेजों की जो प्लेसमेंट है वो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमको वो अलग अलग इमेज दिखाई दें। सेंटर वाले की पोजीशन थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी ताकि हमको समझ में आए कि कौन सी इमेज कहाँ पे है। देन इसके बाद में हमको क्या करना है कि सिंपली इनको प्रीकॉम कर देंगे हम। इन तीनों को हमने प्रीकॉम कर दिया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे थोड़ा सा आपको। और यहाँ पे हमको एक शेप क्रिएट करना है यहाँ पे राइट साइड में, जिसमें हम टाइटल यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमने हाफ पार्ट समथिंग इतना यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इसमें जो है हमको सेम चीज़ है कि इसमें सेम कलर हमको लेना जो बैकग्राउंड में हमने लिया हुआ है। तो इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कलर इसका हम यूज़ कर लेंगे समथिंग, थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं इसको हम। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है इसको बंद कर देंगे हम। और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह जो लिख देना है यहाँ पे, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं मेरा नाम ही लिख देता हूँ। तो यहाँ हमने सेम चीज़ क्रिएट कर ली है। देन इसके बाद में हमको क्या करना है कि अब हमको ना इसमें पोजीशन देनी है। तो हमको मोशन टाइल यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने मोशन टाइल का लगा दिया। अब इफेक्ट में जाएंगे हम, सेम चीज़ करनी है कि हमको फर्स्ट की फ्रेम पे एक यहाँ पे की लगानी है और लास्ट की फ्रेम पे आएंगे हम और इसको मूव कर देना है। लास्ट की फ्रेम पे आएंगे हम, इसको राइट साइड में मूव कर देंगे। सेकेंड पे आएंगे तो इसको हमको जस्ट अपोजिट करना है। तो यहाँ पे हमने मोशन डायल को कॉपी किया और सेम लास्ट वाली पे आकर के पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखे सेम मूवमेंट हो रहा है, और सेकेंड वाली पे भी पेस्ट कर देंगे, बट इसका जो की फ्रेम है इसको हम सिलेक्ट करके राइट माउस पे क्लिक करेंगे और इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो ये देखे इस तरीके का जो हमारा मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो इमेज कट रही है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको हम मूव कर सकते हैं इमेज को। तो फर्स्ट वाली इमेज हमारी यहाँ पे कट रही है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम इमेज को मूव कर देंगे थोड़ा सा। ये देखे अब हमारा जो है वो नहीं कटेगा। तो ये देखे हमारा जो इमेज का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे जो है नाम आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो नाम है वो नीचे से ऊपर की साइड में आ रहा है, तो वो एनिमेशन करना पड़ेगा आपको। टेक्स्ट को हम पेरेंट कर देंगे सेप से और यहाँ पे जाएंगे पांच फ्रेम हमको की फ्रेम पे, हमको पांच फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा फास्ट एनिमेशन रखना है यहाँ पे। तो हम केवल पांच फ्रेम में यहाँ पे की लगाते हैं पोजीशन की। शिफ्ट के साथ में पेज डाउन वाली बटन क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली पांच फ्रेम आगे पहुँच जाएंगे। पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे एक की लगा देंगे, देन नीचे आएंगे इसको और इसको पूरा नीचे कर देंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करके पूरा
नीचे कर देंगे हम इसको, और देन इसको हम F9 प्रेस कर देंगे। तो ये देखें फास्ट एनिमेशन हमको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ग्राफ में जाकर के हमको फास्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे के साइड पे हम ड्रैग कर देंगे। अब देखिए हमारा जो फास्ट एनिमेशन एकदम क्रिएट हो गया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ब्लरी रखना है हमको, तो यहाँ पे हम मोशन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये क्लिक कर दिया हमने, तो यहाँ पे मोशन ब्लर का इफेक्ट जो है यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए आते टाइम पे ये पूरा ब्लर दिख रहा है, ये देखिए पूरा ब्लरी दिख रहा है। तो इस टाइप से हमने जो है एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब सिंपली क्या करना है आपको कि सभी को सिलेक्ट करके आपको प्रीकॉम कर देना है, और ये हमारा एक प्रीकॉम बन गया है। और देन आपको एक रेक्टेंगल टूल लेनी है, और यहाँ पे आपको एक शेप क्रिएट करना है। देन इसके बाद में इस रेक्टेंगल टूल में आकर के आपको यहाँ पे राउंडनेस बढ़ा देनी है, तो यहाँ पे समथिंग हम कर देंगे 50। और यहाँ पे इस प्रीकॉम को आपको सिंपली अल्फ़ा कर देना है, ये अल्फ़ा मेट आपने कर दिया। तो अब आप देखें तो यहाँ पे आपको सेम इफेक्ट आपको देखने मिल रहा है जैसे कि वहाँ पे उस वीडियो में देखने मिल रहा था। हाँ, इमेजेस वगैरह आपको चेंज करनी होंगी, जो इमेजेस हैं वो आपको चेंज करनी होगी, उस हिसाब की कंपोजिशन आपको क्रिएट करनी होगी। अब यहाँ पे क्या है उस हिसाब से जो है इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे आपका टाइटल देख रहे हैं कि एक छोटा टेक्स्ट बड़ा टेक्स्ट है, तो वो डिज़ाइन वगैरह आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी, आपके अकॉर्डिंग देखनी होंगी। पूरे वीडियो में यहाँ पे ग्राफिक एक यूज़ किया गया है जिसको ओवरले किया गया है। इस टाइप का जो टेक्स्चर है ये आप देख रहे हैं, जो टेक्स्चर दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको ओवरले किया गया है, तो वो आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको एक टेक्सचर लेना है और क्लिप के ऊपर सबसे ऊपर रख देना है, और उसमें ओवरले कर देना है उसको। और यहाँ पे वही चीज़ है, ब्लर वगैरह यहाँ यूज़ किया गया है, साइड में आप देख रहे हैं पूरा ब्लर है ये देखे, और विनेट का यूज़ किया गया है, और सेंटर में आपको ब्लर नहीं दिखाई दे रहा, पूरा फोकस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सेम चीज़ है कि आपको यहाँ से जैसे हमने जो क्रिएट किया था ब्लर और विनेट फर्स्ट कॉम पे, जो हमने ब्लर और विनेट कॉम कॉपी कर लेते हैं हम, और लास्ट वाली यहाँ पे आकर के इसमें डाल देंगे। तो ये देखे सेम इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स सारी चीज़ें क्या होती हैं कि चीज़ें वही हैं। अब हर चीज़ यदि आप देखेंगे कि वीडियो में आगे की साइड देखेंगे तो हर जगह सेम इफेक्ट का यूज़ किया गया है। उन्होंने शेप बनाया है उसको मोशन टाइल की मदद से डुप्लीकेट, क्योंकि मोशन टाइल से क्या होता है कि जो भी फ्रेम है आपका, जो भी आपने सेट कर लिया फ्रेम में, तो उसमें लेफ्ट टू राइट आप उसमें मूवमेंट करेंगे तो जो भी फ्रेम है तो उसी का डुप्लीकेट आपको वहाँ पे रिपीटेडली वो आता रहता है। तो मोशन टाइल की मदद से यहाँ पे यूज़ किया गया इस चीज़ को कि एक फ्रेम उन्होंने साइज़ को मेजर करके बना लिया है, देन उसकी डिस्टेंस वगैरह प्रॉपर मेंटेन करके रखी ताकि मोशन टाइल में यहाँ पे गैप वगैरह ज़्यादा नहीं आ जाए, डिस्टेंस वगैरह ज़्यादा नहीं हो, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके बनाना है डिज़ाइन को। और सेम चीज़ किया गया है, बस फोटोज चेंज हो रही हैं और यहाँ पे जो है एनिमेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कभी जूम इन हो रहा है कभी जूम आउट हो रहा है, तो इस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, मोशन टाइल का यूज़ किया गया है, रेक्टेंगल टूल है उसमें अल्फा किया गया है एक वीडियो को, और यहाँ पे इस लोगो को यदि आप देखेंगे सेम चीज़ है, ये राइट में जा रहा है ये लेफ्ट में जा रहा है, बस मोशन टाइल का इसमें भी यूज़ किया गया है कि इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करके एक इमेज का कंपोजिशन क्रिएट किया, उसमें मोशन टाइल लगा करके उसको राइट मूवमेंट कर दिया, और सेम चीज़ को नीचे लेफ्ट मूवमेंट कर दिया, और यहाँ पे बीच में जो है लोगो लगा दिया। और ये यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज किया गया, RGB प्लस जूम इन ट्रांजिशन इसको बोलते हैं। तो आपको ये काफी सारे मिल जाएंगे, आप YouTube में सर्च करेंगे आपको काफी सारे ट्रांजिशन इस टाइप के में देखने मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप उसको आफ्टर इफेक्ट में प्रीमियर में ले जाकर के ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर सकते हैं, काफी सारे ऐसे ट्रांजिशन आपको देखने मिल जाएंगे। और प्रीमियर में आपको काफी सारे ऐसे ट्रांजिशन वगैरह जो है शेप इफेक्ट्स वगैरह जो प्रीसेट आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें वो जो है अपने जो प्रीसेट बना करके वो आपको डाउनलोडेड लिंक दे देंगे, तो आपको सिंपली आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनकी इस वीडियो में कि जो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया एनिमेशन जो मोशन ग्राफिक्स जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, तो सेम चीज़ यूज़ की गई है पूरे वीडियो में, आपको वही चीज़ देखने मिल रही है, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, और स्केल इन, जूम आउट, जूम इन, इस टाइप से जो है वो बस चेंज हो रही चीज़ें, क्लिप्स चेंज हो रही हैं, बाकी थीम पूरी वही यूज़ की गई है पूरे वीडियो में। और इसके अलावा आपको कोई भी अलग से आपको एनिमेशन वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया गया है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।